ये चैनल एक तो इकोनॉमिक के ऊपर है और बैंकिंग अवेयरनेस पे, इंश्योरेंस पे। पर ये जो वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने फेसबुक या यूट्यूब पे देखा है कि वो नीचे कमेंट लिखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। उनका मेंस है, मेरा मेंस नहीं निकला इस बार, मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे, पर वो तो स्कोर ही बताएगा। बाकी मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने पिछली बार और उसकी पिछली बार मेंस दिया था, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव में क्या गलती करी और कैसे टॉपिक आ सकते हो, और स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे, जो मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश तो शायद बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं, आप हंसोगे, पर यही है कि मैंने उस इतनी वीक इंग्लिश के बावजूद भी मैंने जितना स्कोर किया, वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी ये जो चैनल इकोनॉमिक और इस पे है, बैंकिंग पे है, तो वो मेरी हॉबी है, तो वो अलग चलता रहेगा। दूसरी चीज है कि ये मेरे चैनल जो है वो आपके जैसे, मैं स्टूडेंट हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, पर इसका मकसद यही है कि आपके साथ मैं नॉलेज शेयर कर पाऊँ। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि पिछली बार का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा था, तो आपको जैसे एग्जाम खत्म होगा आपका मेंस का, उसके सीधे एकदम लिंक करते हुए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं रहेगा। तो आपको 30 मिनट रहते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो ऐसे और लेटर राइटिंग की जो वर्ड की जो सीमा रहती है वो हर बार चेंज होती है। मेरे पिछली बार एग्जाम में चेंज हो गई थी। तो आपको सबसे पहले तो उसकी वो देखना पड़ेगा, आपको कितने वर्ड में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कम हो सकते हैं और उससे कोशिश करना उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको लगेगा मैंने ज्यादा लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि अभी 150 वर्ड है और आपने 200 लिख दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर 150 और 160 लिखे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले तो, मैं हिंदी मीडियम का था तो मुझे तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई द हिंदू का एनालिसिस देख करके वैसे के वैसा मैं लिख पाऊँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि यार उनके ये IBPS वालों के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा तो नहीं होगा, हर कॉपी चेक करते होंगे, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही होगा। तो मैंने सोचा था मैं अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सुधारूं, तो सबसे पहले मैंने स्पेलिंग मिस्टेक पे बहुत ध्यान दिया, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक पे मैंने ध्यान दिया, तो यहाँ तक ध्यान दिया था। आपको मैं एक बताता हूँ कि वहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर कुछ लिखना था, मुझे हॉस्पिटल की स्पेलिंग में कंफ्यूजन था, तो मैंने वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर लिख दिया। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कोशिश करी थी जीरो ही हो। उसके बाद मैंने दूसरी चीज ये करी थी कि मैंने जो ऐसे लिखा था वो इंट्रोडक्शन बीच में छोटा सा कंटेंट होता और उसमें कंक्लूजन लिखा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा था, जो टॉपिक दिया था उसके बाहर में गए नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर शायद था, मुझे अब 1 साल हो गया इतना याद नहीं है, पर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर था, तो ये मैंने कंटेंट लिखा था। और तीसरी मैंने तीसरी आप मिस्टेक ये कर सकते हो कि आपको जो टॉपिक पहले आप भले से 2 सेकंड या 2 मिनट तक सोच लो, पर जो टॉपिक आपको तीनों तीन टॉपिक मिलेंगे आपको, तो उसमें से जो सबसे परफेक्ट आता है उसको ही आप उठाओ, कि आप इंट्रोडक्शन तो जानते हो, बीच का कंटेंट क्या होना चाहिए ये आपको आना चाहिए। सेकंड चीज होती है कि ये मैंने आपको सेकंड चीज होती है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है जो आप कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको 100 200 300 मिल जाएंगे, पर इतने तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी टिप्स देता हूँ कि आप एक काम करो, सोशल से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, सोशल से रिलेटेड टॉपिक कैसे होते हैं, एजुकेशन सेक्टर हो गया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जैसे देश में 4 या 5 सोशल, जैसे फार्मर हो गया, फार्मर में क्या होता है, अब आपने फार्मर के बारे में याद किया ना, किसान के बारे में, तो उसमें सब चीज आ जाना चाहिए, मानसून आ जाना चाहिए, उसके बाद या भी ज्यादा बारिश हुई पूरे देश में, या वो तो ये पूरा उसमें कवर हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत याद करना है, और आपको जब एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक आया तो आप इसमें जो कंटेंट आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहली दूसरी चीज बता दूं कि मेरे पास ज्यादा वो नहीं है, तो वैसे ऑडियो मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा। तो तीसरी चीज होती है कि ये सोशल टॉपिक हो गए, मैंने क्या किया था, मैंने यही किया था, 5 से 6 टॉपिक मैंने कर लिए थे, तो उसमें मुझे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आया था, पर मैं मिस्टेक हो गई थी कि मैंने हेल्थ हेल्थ जो सिस्टम था इंडिया के अंदर उस पर मैंने तैयार किया था और आ गया था हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो मैंने हेल्थ से ही उस टॉपिक को लिंक करके मैंने जितना भी मैंने लिख पाया मैंने लिख दिया, तो ये मेरे से एडवांटेज हो गया। अब
अदर बहुत सारी साइडें होती है, आप बोलते हैं कि आप इस पे तैयार करो, इंटरनेशनल ट्रेड पे तैयार करो। देखो वहां पे तीन टॉपिक आने रहते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको पहला एक फाइनल चॉइस दी जाती है, आपको तीन टॉपिक दिए जाएंगे, तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आपको तीन में से एक चूज करना है, और उसमें से आपको एक ना टॉपिक जरूर सोशल मुद्दे पे मिल जाएगा। आप सोशल वाले तैयार करो और उससे किसी से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। आप देश में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, 6-7 प्रॉब्लम जो होती है सोशल वाली, वो आप किसी से भी लिंक करके लिख सकते हो, और आपको टोटली लिखना है ज्यादा, आपको यूपीएससी से ज्यादा वो नहीं लिखना कि आपको धाराएं लिखनी उसके अंदर। अगला चीज था, मैंने आपको ये एक तो कॉमन मिस्टेक बता दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंग्लिश का जो पेपर था मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क टास्क होता है मेंस का स्पेशली, तो मैंने तो हमेशा मैंने बहुत ग्रामर पढ़ी थी, बहुत ये करा था, पर मुझे ऐसा ग्रामर या वो रूल काम नहीं आते, तो मैंने सिर्फ मैं काम करता हूँ, मैं आरसी सॉल्व करता हूँ। और उस समय एग्जाम में 7 आरसी आए थे, और 10 नंबर का एक अलग जो आपको होता है एक पेसेज आया था जिसमें फिलिंग द ब्लैंक दिए, तो अलग ही टाइप का था, वो मुझे याद भी नहीं, और मैंने देखते से छोड़ दिया था। और 7 आरसी थे, और 7 तो आरसी एक सेविंग पे थे, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और सेविंग, आपको सेविंग कैसे करनी चाहिए, 7 तो आरसी थे। और वो आरसी में जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देकर के आप आंसर लगा लोगे, आपको उसमें ऐसे दिया था जैसे ऑर्थर का क्या व्यू है, हमें सेविंग क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। तो जो आपको एक एक तो आरसी ज्यादा ज्यादा 7 या 8 या 10 लाइन का होगा, ठीक है, वो हर आरसी में 3 क्वेश्चन थे, इन्होंने एंटोनम कुछ भी नहीं था। तो आपको यही करना था कि आप आरसी को ध्यान से पढ़ो। इसके लिए एक फर्स्ट चीज होती है कि आपको उसके टॉपिक से पहले पता होना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड पे आ गया, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर पे आ गया, जैसे अभी साइबर क्राइम ज्यादा चल रहा है उस पे आ गया, तो आपको उसके पहले टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, तो आप इजिली उसको कर लोगे और इजिली समझ में आ जाएगा, आपको हिंदी जैसा ही लगेगा। तो मैं मुझे था कि मैं इतने साल से बैंकिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उस पे आ गया था, तो मैंने 7 के 7 बहुत अच्छे से कर दिया था, और उसमें मुझे 13 नंबर आए थे, जनरल कट ऑफ से आया तो 11 या 12 गया था, जो 13 नंबर आया था मेरे लिए बहुत ही है, क्योंकि मैं इस पे दूसरी चीजों पर सब्जेक्ट पे डिपेंड रहता हूँ, तो इस पे कमी करता हूँ। तो ये आरसी तो था, तो आप आरसी पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स जो भी है पेपर पे, ये जो टॉपिक इन पे करो। जैसे एक अमेरिका में 2005 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वो कैसे आई थी, वो होम लोन से कुछ आई थी, तो उसके पीछे का रीजन जान लो कि क्यों आई थी, उसके बाद उस पर आप कितने भी आरसी आ जाए आप उसको इजीली कर जाओगे, तो आपको उसके पीछे की जो स्टोरी आपको पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट आप भी मैंने बता दी, ये भी बता दिया। अब मैं हमेशा मेरा ये कोशिश रहेगी चैनल के कि मैं इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, और छोटे जो भी मेरा मकसद ये है कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी देखो आपको, जैसे मैंने जैसे टर्न आउट टाइम टी एंड टी बता दिया, तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा, टर्न अराउंड टाइम होता है टी एंड टी, तो आपको इसका मतलब वो ज्यादा समझ में आ जाता है, इसके बारे में आप बहुत सारा इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। तो मेरा मकसद ये नहीं है आपको कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाओ, मेरा तो यही है कि आपको टर्मोलॉजी समझा दूँ, आपको टर्मोलॉजी समझा दिया तो आप कितना भी इसके बारे में पढ़ सकते हो, आपको न्यूज समझ में आ सकती है। तो ये बहुत इस मतलब ये बैंकिंग के लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, यूपीएससी के लिए होती है, तो यही मेरा मकसद है कि आपको इसके बारे में समझा दूँ, टर्मोलॉजी छोटी छोटी, और ऐसी टर्मोलॉजी जो ऐसी टर्मोलॉजी लेके मतलब तैयार करूंगा जो रिसेंट में चल रही हो और ज्यादा नेट पे अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ऐसा जैसे एनपीए ये तो बहुत सारा आप वीडियो पे डालोगे तो बहुत सारी है, और ये सिर्फ मैं हॉबी के लिए कर रहा हूँ, आपको ये हॉबी के तौर पर डालूंगा। तो ठीक है, बाय, आप भी पढ़े करो, मैं भी स्टडी करता हूँ, थैंक यू।